स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अगर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने रेडमी के फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऐड करनी है, यानी आपने किसी अपनी फिंगरप्रिंट लगा रखी है और अगर आपको किसी और की ऐड करनी है, तब कैसे फिंगरप्रिंट ऐड करोगे भाई, बताने वाला आज की वीडियो में। तो क्योंकि सबसे पहले आपको पता है फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करना है। आपको अपना स्क्रीन लॉक डालना है, डालने के बाद ऐड फिंगरप्रिंट दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से स्क्रीन लॉक डालना है, डालने के बाद आपको जहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है आपको वहाँ पर अपनी फिंगर लगानी है। तो जैसे आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको डन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेकंड फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी सेकंड फिंगर से ओपन करो। तो अगर इस तरीके से आप अपने रेडमी के फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। तो अगर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।